अच्छा देखिए सर, अब ये जो है ना, दो ओपन एंडिंग फ्रेम सेलेक्ट किए थे वायरस के, और उन दो ये एक ए ओपन एंडिंग फ्रेम ए और बी दोनों का जो है ना हैप्लोटाइप नेटवर्क बनाया है। पर पता ये चला है कि दो डिफरेंट क्लस्टर्स जो है ना पाए जाते हैं हमारे रीजन में, ठीक है, ये हमारे अपने सीक्वेंसेस हैं। अब इसके बाद जो है ना, फिर अब जीन बैंक पे जितने भी सीक्वेंसेस थे ना उस ओपन रीडिंग फ्रेम के सारे डाउनलोड किए हैं और उनके साथ फिर अपना कंपैरिजन किया है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन आइसोलेट्स हमारे हैं, बाकी डिफरेंट मुल्कों से डिफरेंट कलर है, ठीक है। ये पिंक कलर जो है स्विट्जरलैंड है। तो अब हमें ये पता चला है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, उसका स्विट्जरलैंड के साथ बड़ा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे आइसोलेट्स डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं हैप्लोटाइप नेटवर्क में। सही और आगे समझ आ गई। इधर भी देखेंगे, ये टोटल आपका पॉपुलेशन है, यूरोपियन पॉपुलेशन है ओवरऑल। तो इधर भी आप देखेंगे हमारे आइसोलेट्स बड़े डिफरेंट जगहों पे पाए गए हैं, ठीक आपके आइसोलेट है। कौन से हैं? ये मैंने आपको बताया सर, माइकोवायरस है एक चेस्टनट ब्लाइट फंगस है, क्राइफोनेक्टिव पैरासिटिक, उसको एक माइकोवायरस इफेक्ट करता है, ठीक है ना। वो माइकोवायरस क्या करता है कि उस फंगस की विरुलेंस डिक्रीज कर देता है, ठीक है, और इसको हम एज अ बायो बायो कंट्रोल एक्सप्लोर कर रहे हैं। नहीं, वो तो मुझे समझ आ गई। अच्छा, तो आप ये जो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है ये जो वायरस आप देख रहे हैं, या एक ही कंट्री के अंदर है? मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं इटली का एक रीजन है, उसको उसका नाम है साउथ टिरोल, उधर से मैंने सैम्पलिंग की है, ठीक है। नहीं, आप ये सारे हमारे पास सीक्वेंसेस है, नहीं, इटली का ठीक है जो एरिया है, जी। ये जो इस फाइलोजेनिक ट्री बनाया हुआ है, इसके अंदर वो एक ही एरिया के सारे आइसोलेट डिफरेंट लोकेशन भी जाहिर कर रहा है, या जस्ट आइसोलेट जाहिर कर रहा है? ये डिफरेंट जो कलर है ना, ये डिफरेंट लोकेशन उसका सैम्पलिंग लोकेशन जाहिर कर रहा है। मैं जो ग्रीन है ना, मेरे से आइसोलेट्स हैं, बाकी डिफरेंट कंट्री जो है ना, हर कंट्री का एक को मैंने डिफरेंट कलर दिया। जिस तरह पिंक है ना, अब ये स्विट्जरलैंड का कलर है पिंक, ठीक है, अच्छा, और ये ब्लू टर्की है, ये ऑरेंज जो है ये ग्रीस है, ठीक है, ये मैसेडोनिया जो है ये वाला ग्रीन है, दूसरे वाला जो ग्रीन है, ठीक है, क्रोएशिया जो है ये ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर है ये वाला, ठीक है ना। सही। अब और ये सारे के सारे सीक्वेंसेस जीन बैंक से लिए हैं मैंने, ये मतलब जीन बैंक में जितने भी उस जीन के सीक्वेंसेस थे मैंने सारे डाउनलोड किए हैं। ये कोई तकरीबन 350-400 सीक्वेंस है, ठीक है समझ ना। आ गई। और ये जो है, लेकिन ये जो दूसरा ट्री है दाएं तरफ, ये लॉन्ग सीक्वेंसेस है, क्योंकि ये पार्शल जीन है, इसके पार्शल सीक्वेंस है 550 बेस पेयर्स का, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको सांगर सीक्वेंसिंग के साथ शॉर्ट सीक्वेंस स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ कुछ सीक्वेंस जो ऐसे भी मुझे मिले जो 1.5-2,000 बेस पेयर्स के, ठीक है ना, सही उनको है। मैंने जो है ना ये अपने सारे के सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर किया ये दाएं वाले ट्री में, ठीक हो गया। अब ठीक है ना। आप तो क्या ये भी अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ अब जी। अब ये ना ठीक हो गया। अब आप चाह रहे थे कि इसकी वो जो म्यूटेशंस है वो फाइंड आउट करनी। बिल्कुल, अब हुआ ये है कि मैं आपको जीनियस में यूज़ कर रहा हूँ, आपको शायद जीनियस में मैं दिखा सकता हूँ कि जो है ना ये किधर गया है। अच्छा जी, ये जो है ना हमारे एक ओपन रीडिंग फ्रेम के एक सीक्वेंसेस हैं, और उसकी ट्रांसलेशन जो है ना यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये और उसकी ट्रांसलेशन भी शो हो रही है अब यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कुछ, अब ये फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे, देखें अमाइनो एसिड सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये साइलेंट म्यूटेशन है। इसके मुकाबले में ये भी, यहाँ ये भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी म्यूटेशन है लेकिन ये साइलेंट म्यूटेशन है, ये सारी साइलेंट म्यूटेशन है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना साइलेंट म्यूटेशन नहीं है। अब ये ए से जी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसका कोडन बदला, तो इसका अमाइनो एसिड भी बदल गया है, ठीक है ना, सही है। इसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल। अब मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, अब ये मेरे मेरा पूरा अलाइनमेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, डिफरेंट स्ट्रेंड्स हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितनी इसमें जो है ना ये वाली म्यूटेशंस हुई हैं साइलेंट म्यूटेशंस, और कितनी जो है ना मिसिंग म्यूटेशन हुई है जो जिनसे अमाइनो एसिड बदल गया है, ठीक है। एक तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो अमाइनो एसिड परसेंट में चेंज आई है जी, परसेंट पता चल कितने जाए या कितने, बिल्कुल परसेंट पता चल जाए, या उसके उसका अमाउंट पता चल जाए, या उसका एस्टिमेट हो कोई, उसका
फार्मूला हो, पहले पहली ये चीज। दूसरी मैं ये चीज पता चल रहा हूँ कि इससे प्रोटीन के फंक्शन पे, उसकी फंक्शनैलिटी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। आया कि इसमें से अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट पता चले जो ज्यादा एफिशिएंट हो या लेस एफिशिएंट हो वायरस, हमें इस चीज का पता चले कि जो म्यूटेशन हुई है उनमें से क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जो है ना म्यूटेशन वो, या कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ना हमारा कैंडिडेट है उस स्टडी करने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, कि उसमें उसकी प्रोटीन ज्यादा फंक्शनल हुई है या उसमें फंक्शन को किसी तरह लॉस किया है। लॉस का तो नहीं, मैं ये म्यूटेशन का आपको बता दूं कि कितनी वो है सिनोनिम, क्या कहते हैं इसको, नॉन सिनोमस और सिनोमस। हाँ सिनोनिमस, हाँ जी, ये सिनोनिमस नॉन सिनोमस भी कहते हैं इसको। हाँ जी, इसको पॉइंट साइलेंट म्यूटेशन और मिसिंग म्यूटेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो आप पता क्या करेंगे, इन तमाम की जितने भी जीन है ना, जी जी, इनकी ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन है इन, मैं आपको ना मैं शेयर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ठीक हो गया, आप स्क्रीन शेयर करने लगे हैं, मैं स्टॉप करता हूँ फिर। आगे स्क्रीन, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मेरा चैनल है, देखा आपने? ठीक हो गया, मैं मुझे नजर आ गया सर, प्लांट साइंस बाय डॉक्टर छवीक। अच्छा, ये बायोइनफॉर्मेटिक्स पे ही है सारा। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये टीबी टूल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया, ये है, ये फ्री अवेलेबल है, इसका मैं लिंक भेज दूंगा आपको, बड़ा प्यारा सॉफ्टवेयर है। अरे ये मैंने इंस्टॉल किया था लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगा यूज करना इसकी, वो जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप मुझे इसमें बताएंगे कि डाटा इसमें कैसे किस फॉर्मेट में जाता है? अब ये देखे ना, अब आपने ना, ये बहुत इजी है, मुझे तो बड़ा इजी लगा ये ना। अच्छा, आपने ग्राफिक्स में जाके, अच्छा बल्कि अदर्स में जाके, यहां पर एक सिंपल के और के एस कैलकुलेटर, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर आपने ये चार फाइलें ऐड करनी है इधर, एक है सीडीएस, अच्छा, फाइल, ठीक, ये जीन की जो डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक हो गया। लेकिन जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन्स हैं उनको एक ही फास्टा फाइल बना के इधर आपने ड्रैग कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये वाली इन्हीं की प्रोटीन की सीक्वेंस ऐड कर देनी है इधर, ठीक हो गया। यहां पर आपने क्या करना है कि जीन पेयर, आपने हर जीन का दूसरे के साथ पेयर बनाना है। इसका क्या मतलब है सर? आपने मैच कराए कभी क्रिकेट के मैच? नहीं, कौन से मैच? फर्ज किया आप चार टीमें हैं एक ग्रुप के अंदर, या अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। हर टीम के साथ मैच खेलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने भी इस तरह हर जीन के साथ मैच करवाना है। अच्छा, ठीक। इसे कहते हैं जीन पेयर, मैं आपको भी दिखाता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये एक जीन के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जितने जीन है उतने करते जाए बस उनका आपस में, मैं बताता हूँ आपको। मैं ना ये अभी मैं ये एक पेपर है, ठीक है, तो इसमें आसिया, ये इसमें ये वाला असाइनमेंट्स, ये कौन सा प्लांट मॉलिक्यूलर टेक्निक, इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी असाइनमेंट्स, ये मायरा शकील। अच्छा, इसमें ये देखें कि ये एनालिसिस है, ये नहीं, ये सिनोनिमस। अच्छा, अब ये देखें, ये यहां पर ये सीडीएस सीक्वेंस है सबकी। सीडीएस का मतलब है जो वो ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं होता, जो जी स्टार्ट गुडान से स्टॉप गुडान तक, जी ठीक हो गया। ये सारे जीन्स की आपने
जितने भी जीन्स है, अगर एक ही जीन करना तब भी, अगर एक से ज्यादा जीन्स आपने करने हैं तब भी ठीक हो गया। ये कट्ठी फास्टा फॉर्मेट में अच्छा ये कर दिया आपने, फिर आपने उसी की प्रोटीन की सीक्वेंस वाली फाइल अलग बना लेनी है आपने ऐसे। अच्छा ठीक हो गया, ये भी फास्टा में, ये भी फास्टा में। लेकिन अगर यहाँ पर जो जीन है उसी पहले नंबर पे जो जीन है उसी उधर भी वही नेम होना चाहिए। अच्छा 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 ठीक हो गया, समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है कि जीन पेयर बनाने हैं, ये देखे हर जीन का, हर जीन के साथ मैं आपको बाकी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मैं आपको एक और बताता हूँ। एक मिनट के एनालिसिस विद गो फंक्शन। अच्छा अब ये देखें कि ये देखें जीन पेयर है, ये देखिए ये अब बनाने कैसे हैं, ये आपने एक्सेल पे बनाने हैं, इसको कॉपी करें। अब आपने ये पेयर बनाने हैं पहले एक्सेल पे, ठीक हो गया। कर दिया जीन वन उसका जीन टू के साथ पेयर। फर्ज क्या मैं कह रहा हूं कि आपके पास 1 2 3 4 ये जीन्स है, ठीक है। वन का पेयर बनाया टू के साथ, वन का पेयर बनाया थ्री के साथ, वन का पेयर बनाया फोर के साथ, फिर टू का पेयर बनाया थ्री के साथ, ठीक है। और इधर इधर नाम जो वो भी सेम होने चाहिए उधर उधर फाइल्स की तरह। हाँ नाम वही होने चाहिए जो वहां फाइल के अंदर रखे हैं आपने जीन के, ठीक हो गया। या जिन जीन्स का आपस में आपने कंपैरिजन करना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर आ गया थ्री और फोर। अब इसके जीन पेयर इतने बने हैं कि हर टीम का हर टीम के साथ मैच है। फिर आपने यहां से इसको कॉपी करके नोटपैड प्लस प्लस वाली फाइल के अंदर इसको आपने क्या कर देना है, फाइल न्यू बना के पेस्ट कर देना, पेस्ट करके। तो ये देखो जब ये ऐसे हो जाए, फिर आपने ये फाइल ड्रैग करनी है इधर। फिर आपने क्या करना है कि ये वाली जो इधर है ना, मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको, ये सारे टीबी टूल्स में। अच्छा अब आपने करना है कि ये तीनों फाइल जब आपकी बन जाए, ये जो आपके पास डेटा है आप करके दिखाए एक दफा। ये ही मैं करने लगा, फर्ज किया ये मैंने, अब ये सबसे पहले ये पेप्टाइड सीक्वेंस इधर, ये इधर आ गई, ड्रैग करते जाना, ठीक हो गया। ऊपर ये सीडीएस की सीक्वेंस या ओपनिंग फ्रेम की तमाम की सीक्वेंसेस, ये जीन पेयर ये तीसरे में, ठीक है। फिर चौथे में आपने आउटपुट डायरेक्टरी देनी है। आउटपुट का मतलब है कि एनालिसिस होने के बाद ये किस जगह आपके रिजल्ट्स हैं, कहां पे अपने स्टोर करनी है। हां फर्स्ट के मैं इधर पे दे रहा हूं, इधर ही कोई एक फाइल इधर ड्रैग कर देंगे और फिर उसका नाम दे देंगे, के ए के एस कुमार, ठीक है, ठीक हो गया। इसको स्टार्ट कर देना, आपने स्टार्ट कर देंगे तो विद इन अ सेकंड और टू ये आपका ये इधर फाइल एनालिसिस हो गया इधर, ठीक हो गया। अब ये देखें यहां पर मैंने के ए और के एस गुमन लिखा था, किधर गया वो, ये आ गया फोर्थ लास्ट। हां जी अच्छा मैं देखें एडिट पेज नोट व्हाट्सएप पर क्या ये इस तरह आ जाएगा इधर। मैं आपको ये ना करके ये जो ऑलरेडी हुआ हुआ है ये आ गया, ये इस तरह की फाइल आ जाएगी। ये दिखा दें आउटपुट जो है ना वो किस फॉर्म में है, ये फाइल आ गई आपकी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये सारा बताएगा कि के ए की वैल्यू कितनी आई है, के एस की कितनी आई है, फिर उसकी रेशियो, फिर ये डिफरेंट इसकी एवरेज साइट्स कितनी है, एवरेज एन साइट्स कितनी है, वो सारा काफी कुछ इसमें ना ये इसको कॉपी करके आपने इसको एक्सेल में ले जाना है,
ठीक हो गया एक्सेल में जरा इजीली हो जाता है वो। ये देखिए ये बात है के ए की वैल्यू के एस की वैल्यू के अंडरस्कोर के एस ठीक हो गया। लेकिन सर मतलब ये के ए और के एस की वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रही है और कितनी वैल्यू हो तो क्या पता चलता है इससे? अच्छा इसके लिए मैं आपको एक पेपर मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट अभी। अच्छा अब ये जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट है अच्छा अब ये देखें कि आप ये पेपर है हमारा पब्लिश हो गया तकरीबन ठीक। ये उन्होंने ना हमें कुछ रिवीजन करने के लिए किया था भेजा तो हमने ये हाईलाइट करके उनको वापस भेज दिए ठीक 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 है। अब ये पहले तो मैं मटेरियल मेथड में कैसे लिखना है ये मैं बता दूं थोड़ा सा। डिटरमिनेशन जीन स्ट्रक्चर सिस रेगुलेटरी एनालिसिस ये अच्छा टाइम ऑफ डाइवर्जेंस ये तो टाइम ऑफ डाइवर्जेंस उन्होंने लिखा हुआ है के ए के एस वाल पैरामीटर। दूसरा पेपर देख लो एक मिनट बस एक मिनट जिले हुमा यहां पर जाकर प्रोजेक्ट 21 यहाँ ये वाला ठीक हो गया इसको मैं ये तो वही लग रहा है एक मिनट बचे बस जस्ट वेट इसमें असाइनमेंट क्यूकम्बर ये वाला पेपर मायरा शकील पेपर ये फाइनल पेपर है। अच्छा अब ये जनोब आइडेंटिटी अभी हम भेजने लगे हैं जर्नल के अंदर पेपर ये ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखे असल में पहले ना हम किसी और तरीके से के और के एस प्रूव करते थे अभी फिर मुझे ये एक नया सॉफ्टवेयर का पता चल गया तो अब मैं इससे करता हूँ ठीक है। अब ये नए के मुताबिक किया हुआ है। अच्छा जीन डुप्लीकेशन इससे हमें ये भी पता चलता है कि जीन डुप्लीकेट जब हम एक ही क्रोमोसोम फर्ज किया एक जीन है ना वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है वो डुप्लीकेट हुआ वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया ठीक हो गया। तो अब हमने मालूम फर्ज किया उसकी एक और कॉपी क्रोमोसोम नंबर 7 पे है एक 10 पे है। अब हमने देखना है कि ये जो चार जीन है इन चारों में से कौन से आपस में डुप्लीकेट है जो एक जीन से डुप्लीकेट हुए हैं ठीक हो गया। अच्छा अब हम ना क्या करते हैं कि वाज यूज टू कंप्यूट द एक के और के एस सब्स्टिट्यूशन रेट यूजिंग टीवी टूल ठीक हो गया। जीन पेयर अलॉन्ग विद ये सीडीएस सीक्वेंस जो ओपन रीडिंग फ्रेम सीक्वेंस एंड प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ द डॉग लाइक जीन्स आर कैशू वर यूज्ड ठीक है। के ए ओवर के एस रेशियो वर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन रेट ऑफ अ सिंगल जीन पेयर इसकी जो रेशियो है ना के ए और के एस की ठीक है। पहले तो बता दो के ए और के एस होता क्या है फिर मैं बताऊंगा कि इसकी जो रेशियो है वो हमें बताती है कि ये इसकी जो जीन है इसकी सिलेक्शन कौन सी है पॉजिटिव सिलेक्शन है नेगेटिव सिलेक्शन है न्यूट्रल सिलेक्शन है ठीक है। अच्छा पहले तो मैं ये बताऊं कि के ए और के एस होता क्या है। एक मिनट मैं ना एक प्रेजेंटेशन खोलता हूं। अच्छा इसमें के एक में से एक को रेट ऑफ सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं एक को रेट ऑफ नॉन सिनोनिमस
non-synonymous. ये इन दोनों का में से एक को ये कहते हैं, मेरी बात की समझ आई है? ठीक हो गया. अच्छा, ये दोनों में से एक को रेट ऑफ सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन और एक को रेट ऑफ, ठीक हो गया, नॉन सिनोनिमस. ठीक है, ये दोनों बताता है ये जो कैलकुलेटर है ना. ठीक हो गया. तो इसकी रेशियो क्या बताती है, अगर नॉन सिनोनिमस ज्यादा हो तो क्या क्या होता है, अगर इसका वो एक इसकी रेशियो से क्या बताता है? सिलेक्शन होती है, एक होती है पॉजिटिव सिलेक्शन, एक होती है नेगेटिव सिलेक्शन, एक होती है प्यूरीफाइंग सिलेक्शन. तो ठीक हो गया, इस तरह की वो कहानी है. मैं एक मिनट में बचे, अभी मैं ना असल में नई नई चीजें जी अभी सीखी है, लेकिन ये कि हम कर लेंगे इसके बारे में आपको ना बता देंगे. ये है के ए और के एस, ये तो एक मिनट, इसमें ना सिनोनिमस और ना एस वाई एन ओ सिनोनिमस क्या है, इसके स्पेलिंग क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है. S Y N O N O synonymous N O U. Synonymous, non-synonymous. यार मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो किधर रह गई है इसके ऊपर? सर वो पेपर में भी लिखा हुआ था कि रेशो का क्या मतलब होता है? नहीं, वो तो रेशो का तो पता है ना, सजेस्ट प्यूरीफाइंग सिलेक्शन, इंडिकेट नेचुरल सिलेक्शन, टाइम और इवन ये भी बताता है कि ये डुप्लीकेट कितना अरसा हो गया इसको डुप्लीकेट हुए हुए. अच्छा अच्छा ठीक, ये भी बता देता कि आज से कितने साल पहले ये आपका जो जीन है ना, जो आपका नया स्ट्रेन इवॉल्व हुई है, ये कितना अरसा पहले इवॉल्व. अच्छा अच्छा, ये वो लोकेशन हो गई फर्दर नॉलेज ऑफ सेगमेंटेड. फिर ये भी बताता है कि अच्छा डेट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ जीन वाज आल्सो कैलकुलेटेड थ्रू मेगा एक्स. ठीक है, के एस डिपिक्ट, ये एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था, के एस क्या है? डिपिक्ट द नंबर ऑफ सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन पर सिनोनिमस साइट्स. ठीक हो गया, ठीक. इज के ए शो द नंबर ऑफ नॉन सिनोनिमस substitution per non-synonymous sites and the ratio size of this mutation was represented by KLK as speculative date. जो है वो ये बताती है कि कितना अर्सा पहले ये duplication हुई है. ठीक, मेरी बात की समझ आई? ये इधर ये देखो, ठीक हो गया. ये हमें ये भी बताता है कि 10.85 million years ago, कुछ है 58.5 मिलियन ईयर्स को, सारा ये प्लांट्स के अंदर है. ऑल द नाइन पैरालोगस ग्रुप पेयर इन ऑल ऑफ हैज ग्रेटर देन 0.3 व्हिच सजेस्ट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीडरेबल फंक्शनल डाइवर्जेंस आफ्टर द अकरेंस ऑफ यो. हाँ, यही है जो आप फंक्शनल डाइवर्जेंस कह रहे थे ना. आपने ये भी तो मालूम करना था ना. बिल्कुल, यही तो मालूम करना कि वो सिलेक्शन पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या वो उसकी प्रोटीन फंक्शनैलिटी इनहांस करता है या उसको. अच्छा, ये एग्जैक्टली
ये यहां से मुझे भी ना असल में यहां तक तो मुझे समझ आ गई थी, ये यहां तक मीनिंग ये रगो तक आगे ना इसकी फंक्शनल डाइवर्जेंस के लिए ना एक सॉफ्टवेयर है वो नहीं, मैं आपको एक पेपर है शुरू में मैंने एग्जैक्टली exactly में वो शुरू में हमने एक पेपर ढूंढा था वो किधर गया किधर गया जेनोम वाइड पे सही हो गया डॉफ के ऊपर एक पेपर था वो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली अब मुझे समझ आ गई वो जो शुरू में हमने ढूंढा था ये पेपर जेनोम वाइड किधर आ गया जी किधर आ गया जी किधर आ गया जी? ये जीनोम वाइड बायोइनफॉर्मेटिक एनालिसिस ऑफ टर्फ ये किधर है ये नीचे सर ये वाला पेपर एग्जैक्टली आई एम सर्चिंग अबाउट दिस अच्छा इसके अंदर ये ना ये यहां पर ना ये लिखा हुआ था ये डॉफ जीन आइडेंटिफाई ये फिर क्या है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट फिर ये ग्रुपिंग कैसे हुई है इसकी फिर आ गई ये वाली क्रोमोसोम जीन डुप्लीकेशन हल्की जी इससे भी पहले था इससे भी ये तो एडिटिंग कर दी थी मरियम ने एवोल्यूशन रिलेशनशिप शुरू में एक मिनट जीनोम वाइड ये कौन सा पेपर था एक मिनट बच्चे मैं ना आपको सॉरी मैं ना इसमें वो पुराना इसको जीनोम वाइड बायो इन्फॉर्मेटिक्स जीनोम वाइड डॉफ इन दूरियां फ्रूट में था मुझे लगता है ये पेपर उसके अंदर ये वाला पेपर था मुझे लगता है द सीम्स टू बी द पेपर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अच्छा ये वाला अच्छा इसके अंदर ना दो तीन चार सॉफ्टवेयर हैं वो आप इसको सीखना पड़ेंगे आपको फाइलोजेनेटिक्स ठीक हो गया सर वो तो कोई मसला नहीं है टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है और इसके अलावा वैलिडेशन है फिर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है ऑर्थोनॉर्म आइडेंटिफिकेशन इन टोमेटो एक मिनट डॉफ जीनोम वाइड डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन टोमेटो In tomato, yeah. And ये देखना evolutionary relationship on the dog family in tomato
duplication event. To analyze the duplication evolutionary pattern of gene, we detected 11 pairs of gene based on chromosome location. The location of these was either on the same chromosomes or next to trace the date of duplication, K estimator in our program used kiya tha. Humne KA or KS calculator karne ke liye humne TV2 use kiya. Theek ho gaya? हेलो सर, आपकी आवाज चली गई थी. वालेकुम सलाम सर. अच्छा उस्ताद, अब ये है कि ये आधा पेपर, इसको ये देखे ना, इसमें डिफरेंट मिलियन ईयर्स हुए हैं और ये उसकी के ए और के एस रेशियो है, जीन वन जीन टू. ठीक है, के एस ठीक हो गया. कैलकुलेटर यार गुमन, असल में मेरे कुछ गेस्ट आ गए हैं, है ना. ठीक हो गया, मैं फिर बाद में आपको कॉल करता हूँ. ठीक है सर, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका. मैं जो है ना, अभी आपने जो बताया ना, इसकी बेसिस पे ये सर्च करना कोशिश करता हूँ, जो जुगाड़ मारता हूँ. ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया. ठीक है भाई शगन, ओके अल्लाह हाफिज. मुझे लगता है बिल्लन एमएलए के बच्चों ने सुना था. नहीं इतनी कड़क आ गई है. अच्छा इतनी मुझे लग रही खाएगा सुनो जी मैं गल कह रही हूँ.
शरारत करके हम आप आए नी डॉक्टर तारक साहब जो अच्छे प्लेयर ने अपनी बैट गेंद लाके आ जाने बैट गेंद बैट गेंद मियां साहब ने कहा बच्चे लो रिजवान साहब अपनी फैमिली लै आए अपनी फैमिली उसी मार दी तुझे मार दी मामा ने मार दी मामा ये अभी बात ठीक है लेकिन जना जमा कह रहे थे ना अपने जमा दे पापा के जना सासा फैमिली ले आंगे तो मनु भी ले आने पड़ने हैं तो ऐसे वासे तुझे ले आओ ताकि बुढ़िया एक पास हो जाए तो तुझे जना एक वासे जना हो तो डोमिनो खेल लो जिन्हे चीज नहीं किसी आ जाएगी जिस टाइम गए मौत पै गई रेस्तरा उस टाइम तू कह नहीं कोई सकता देखो बचा के लो अपने बिजी हो गया नहीं हम पता लग ही गया बाजू ठीक होया कि नहीं इतने क्यों निकली ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਰ ਗੁਰੇ ਵਾਸੀ ਤਾਕਤ ਚ ਤਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ
लड़के जाना चांद दे कि पता लगे भी आप कश्मीर चला जा चला जा पर क्यों करा रहा आप होगी है केड़ा ऐसी लड़का केड़ा दिखाओ देख ला कि मैं तो मदरसा खान स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन को भी करना है ये कम्युनिकेशन स्टडीज और वो पंजाब चंगा बैट्समैन कोई ना समझ छोटे छोटे मलीमे करता पाया रिश्तेदार भी एक शादी करी है ना उन्होंने बाद मलीमा सियालकोट बुला था कैंसल कर दिता फिर घर ही अपने छोटे मोटे इंतजाम चला गया।